आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त अमित। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल स्टडीज़ की प्रैक्टिस सेट वन लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और ये क्वेश्चन जो भी मैं बताने वाला हूँ, वो जो क्वेश्चन है आपकी जो प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन ये बता रहा हूँ। तो आप SSC हो, रेलवे हो, या फिर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको काफ़ी मिल सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होती है। और अगर रेलवे या SSC की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल, UPPSC की कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको देखें और पूरा वीडियो को देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है रामायण, महाभारत, जातक और पंचतंत्र। तो अजंता की चित्रकारी में, तो इसको इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हो गया जातक, जातक टील्स। तो इसका होगा जातक। तो अब बात रहेगी अजंता की, तो अजंता केव। तो अजंता केव ये कहाँ पे है दोस्तों? ये होगी आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ M करके, आप लोग समझ जाइएगा। और इसकी जो सही आंसर को मैं अलग कलर करके C इसका सही लिख देता हूँ, सही आंसर तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे दोस्तों 3 रॉक कट बुद्धिस्ट केव, बुद्धिस्ट के केव है, और रॉक कट किया हुआ 30 मॉन्यूमेंट्स, जो कि आपकी बहुत पुरानी है, फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC टू 480 तक। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलाकारी दिखेगी आपको, पेंटिंग दिखेगी, रॉक कट दिखेगी, और काफ़ी आपकी ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको आती है ये अजंता की। कब से आती है? 1983 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और दूसरी बात, और ये बुद्धिस्ट रिलीजियस को माना जाता है कि मास्टर पीसेस है। यहाँ पे बुद्धिस्ट जो रिलीजियस की आर्ट, इसको बहुत अच्छी तरह तरीके से दर्शाया गया है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अजंता केव कहाँ पे, तो आप सीधी सी बात बोलिएगा महाराष्ट्र में है। और दूसरी बात, यहाँ के बोलिएगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको कब से दिया गया, तो 1983। और यहाँ पर आपकी रॉक कट है, स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाती है। और किसको दिखाया गया? जातक टेल्स, जातक। तो ये आपके क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, तो 2-3 क्वेश्चन बन गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो को देखिएगा। तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन इसको मैं छोटी कर देता हूँ थोड़ी। तो पहला आदित्य चोल, राजा राज चोल, राजेंद्र चोल, और है आपका करिकाल चोल। तो तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप लोग जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर B होगा, राजा राज चोल। तो बृदेश्वरा टेम्पल, तो बृदेश्वरा मंदिर की बात किए तो इसके राजा राजेश्वरम टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी हिंदू टेम्पल, काफ़ी बड़ा टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, जो कि किसको डेडिकेटेड किया गया है? लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड किया गया है। और ये जो लोकेटेड है, ये साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर में लोकेटेड है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह भी होगी, कावेरी रिवर के साउथ बैंक में ये लोकेटेड है, कावेरी नदी पे लोकेटेड है। और ये है तमिलनाडु में है, आपको पता है कि तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है। और काफ़ी तमिल आर्किटेक्चर की इसमें काफ़ी अच्छी कलाकारी दिखेगी आपको। और ये भी दोस्तों इसकी जो है मन, इसको बनाया गया है 1003 से लेके 1010 AD के बीच। और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बीच आती है, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बीच आती है। तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें काफ़ी डिटेल में पता चल गई, अब तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस भाषा का नाम बताइए जब मुगल शासन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसका मतलब है कि वो आपको भाषा बतानी है जो कि वहाँ पे, जैसे कोई आपकी मीटिंग हो रही है या फिर शिविर, बड़ी दरबार लगी है, शिविर लगी, तो उस समय कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? पहला है संस्कृत, B है पाली, C है हिंदी, या D है उर्दू। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा क्या हो, तो इसका सही ऑप्शन है वो है दोस्तों उर्दू। उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता था मुगल काल में, शिविर या कोई भी आपकी मीटिंग हो रही है उसके दौरान। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले
भारतीय थे, क्या लाने जा रहा है, संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे, कौन थे? दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नरोजी। तो दादा भाई नरोजी, तो इनको आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या फिर नहीं भी पता है तो जान लीजिए। तो दादा भाई नरोजी थे जो थे, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आप नोट करते जाइएगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आप नोट करते जाऊंगा। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, दादा भाई नरोजी को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इससे ट्रिक भी हो जाएगा, गो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसके ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फाइंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके ये फाउंडर थे, और इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी भी फाउंड किया था, और इन्हें ये भी बोला जाता है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये पॉलिटिशियन थे और स्कॉलर थे, और आपके लिबरल पार्टी जो ये पहले जो थे वो लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले मेंबर ये जो एमपी बने ये, और फर्स्ट एशियन जो थे वो ब्रिटिश एमपी बनने वाले दादा भाई नरोजी ही थे। और इनका जन्म, अब जन्म की बात की जाए तो जन्म इनका हुआ था बॉम्बे में 1825 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हो गई 1917 में, नवासरी में जन्म हुआ था बॉम्बे में इनका। तो अब पांचवा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति, तो ये बंकिम चंद चैटर्जी, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या पिंगली वेंकय। तो इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, आप पढ़ रहे होंगे तो पिंगली वेंकय। तो हमारा छठा क्वेश्चन, मैं जहाँ ज़रूरत होगा दोस्तों मैं बता दूंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है आपकी उपराज्यपाल, या डी ऑप्शन है राष्ट्रपति और राज्यपाल। आप लोगों को पता ही होगी ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। तब भारत के राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो अब बात है 143, तो 143 आर्टिकल की बात की जाए तो ये डील करती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द सुप्रीम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और ये आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, तो जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है कंसल्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की। फर्स्टली द प्रेसिडेंट में ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट हैज़ अराइजन और लाइकली टू अराइज। प्रेसिडेंट में ऑब्टेन ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन या लॉ और फैक्ट जो कि अराइज हुई है या अराइज होने वाली है। तो एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। अब बात की जाए सुप्रीम और 143 की, तो ऐसे तो मैं बता चुका हूँ प्रेसिडेंट को जो पावर रहता है टू एड्रेस क्वेश्चन टू सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पावर रहता है। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट बाय आंसरिंग क्वेश्चन क्वेरी, कोई भी अपना क्वेरी ले सकता है। अभी तक जो 12 बार ये हो चुका है, जो प्रेसिडेंट जो है 143 के तहत 12 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जो सातवां क्वेश्चन है वो है, अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो कोई भी जो अखिल भारतीय सेवा है वो किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालिका के आदेश द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, या कानून द्वारा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। तो हम लोग देखेंगे कि 312 आर्टिकल होती क्या है, ये भी जानने की ज़रूरत है। तो 312 आर्टिकल जो होती है वो आपकी देखी जाए तो, अरे यार 312 आर्टिकल देखी जाए तो इसके अनुसार केंद्र और राज्यों के लिए एक समान, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 312 में एक प्रावधान किया गया।
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संविधान अनुच्छेद 312 की तर्ज पर सांसद द्वारा गठित होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 312 के क्या होती है। इसके अनुसार केंद्र और राज्यों के लिए एक समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 312 में एक प्रावधान किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय आपकी पुलिस सेवा संविधान के अनुच्छेद 312 के तर्ज पर सांसद द्वारा गठित होती है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं। सलीम अली एक क्या थे? सलीम अली, तो सलीम अली पहला ऑप्शन है प्रसिद्ध उर्दू कवि, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, प्रसिद्ध गज़ल गायक, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी देखा जाए तो सलीम अली क्या थे दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा बताइएगा। तो सलीम अली थे आपकी प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी। तो हम चलते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत की परमाणु विज्ञान का पिता कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है एच जे बाबा भावा होमी बाबा, जिसको क्या बोला जाता है, सतीश धवन, सी वी रमन, एम एस भटनागर। तो किसे बोला जाता है? तो इससे सही ऑप्शन है इसका होमी जहांगीर बाबा। तो होमी जहांगीर बाबा तो होमी जहांगीर बाबा के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोगों को जानने की ज़रूरत है ताकि आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। तो होमी जहांगीर बाबा, अच्छा आखिर होमी जहांगीर बाबा थे कौन, तो इसके बारे में जानते हैं। तो होमी जहांगीर बाबा जो इंडियन न्यूक्लियर आपकी फिजिसिस्ट थे और फाउंडिंग डायरेक्टर और प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स भी थे आपकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इनका जन्म हुआ था 1909 में मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों 1966 में हो गई इनकी मृत्यु 1966 में हो गई। और एडुकेशन जो इनका हुआ द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई में हुआ और इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। और आप लोग तो जान ही रहे हैं, अब इतनी बता दिया हूँ, इंडियन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इनकी पढ़ाई हुई, फिजिक्स के टीचर थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है आपके इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में। आपकी कैस्केड प्रोसेस में इन्होंने कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन जो था पॉइंट पार्टिकल्स को पहचानने में जो भाभा स्कैटरिंग जो होती है इन्होंने ही दिया था दोस्तों। आपको समझ में आ रही है कि मैं थोड़ी अगर कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्होंने काफ़ी अच्छा ये किया था और कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन पॉइंट पार्टिकल्स जो था वो भाभा स्कैटरिंग थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ म्यून ये इन्होंने दिया था, इन्होंने इसीलिए जाना जाता है। और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। और ये जो थे इनके पद्म भूषण 1954 में मिला था इन्हें। और ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज ऑन फिजिक्स, नोबल प्राइज ऑफ फिजिक्स भी मिल चुका है इन्हें 1951 में। तो अब दूसरा क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन क्या, दुनिया का पहला उपग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दुनिया का पहला उपग्रह किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, USA, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सोवियत यूनियन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? अभी तो पता ही होगा आपको, जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, वाशिंगटन। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों आप लोग बताया बी होगा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के संत उद्घोषणा के अनुसार विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड पीस डे, इसको इंग्लिश से अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड पीस डे आपके कौन से दिन में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पीस डे बनाने का मतलब क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ल्ड पीस डे बनाने का मतलब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसकी क्यों बनाया जाता है। तो आखिर वर्ल्ड पीस डे जो है वो है एक कंसेप्ट आया कि आइडियल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम, पीस, इसको देखते हुए ये वर्ल्ड पीस डे बनाने की सोच आई। और दोस्तों पीस बेल दिया गया था डोनेट किया गया था यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ जापान इन 1954। तो उस समय से ट्रेडिशन बन गया है कि रिंग दो बार बेल को बजाने का, एक ईयर में दो बार। तो और उसके बाद स्प्रिंग तो उस दिन 21 सितंबर को इसी की तहत
इंटरनेशनल डे ऑफ पीस बनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन ने भी डिक्लेयर किया कि ये जो है 21 सितंबर को होगी। और इसके पीछे कहानी यही थी, अगर शॉर्ट में देखे जाए तो वो इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी। इसकी पीछे एक कहानी थी, शॉर्ट कहानी की, एक बेल दी गई थी यूनाइटेड नेशन असेंबली ऑफ जापान के द्वारा 1954 में। तो उस समय से ट्रेडिशन बन गया कि एक ईयर में बेल को बजाना है ऑन द फर्स्ट, बहुत पहला दिन स्प्रिंग सीजन का, और उसके एंड ऑन 21 सितंबर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो वही इसमें कहानी है। नागा खासी और गोरा पहाड़ियाँ स्थित है। तो नागा खासी एंड गारो हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जस्कर पर्वतमाला में, या हिमालय पर्वतमाला में? तो यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पूर्वांचल पर्वतमाला में। ATM किसकी संक्षिप्त रूप है? इसके मतलब आपके यहीं अगर इंग्लिश से बोला जाए कि ATM इज़ एब्रिविएशन ऑफ, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑथेंटिक टेलर मशीन, ऑथोराइज टेलर मशीन। तो इसकी सही ऑप्शन है दोस्तों ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी। और भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? कोलकाता, त्रिवेंद्रपुरम, मदुरई या मुंबई? ये आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, और डिटेल में भी लिखिएगा कि आखिर ये राजधानी क्यों है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन में तो भी कमेंट करें दोस्तों, क्लियर ना हो तो। धन्यवाद।